Hello student, welcome to my channel City Commerce Concepts. And now today we start a new chapter of economics, that is basic problems of an economy. So let's begin. Okay, so the economic problem means ki wo problem economically everyone is going to face, that is called economic problem. So economic problem hota kya? And student, yes, most important economic problem ka jo questions hai wo har bar exam mein zarur pucha jata hai. Not even in class 11th, but in class 12th also it is very important part of your economics. Halaki abhi thoda sa change hua hai class 11th and 12th ki economics mein, CBSE and IEC mein. But this topic is going to be very, very important in your further studies. So now let's understand the economic problem. So the economic problem means ki wo problem jo kya hai, economically bahut hi sabke liye kya hai, problematic hai. So economic problem is a problem regarding allocation of limited resources for the production of alternative goods and services. यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह जो किसकी वजह से अराइज हो रही है कि हमारे पास क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है ठीक है तो उसकी वजह से क्या है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ चॉइस यानी कि हमें चीज़ों में चॉइस करने के लिए अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अब क्या है हम चॉइस नहीं कर सकते तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं. ओके नेक्स्ट इज द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मींस व्हिच कैन सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड यानी कि हम लोग की क्या है हम लोग की जो डिजायर्स होती है हम लोग की जो वांट्स होती है पहले एक बात को ध्यान रखिएगा डिजायर और वांट्स में डिफरेंस होता है. वांट्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको चाहिए विच इज वेरी नेसेसरी दैट इज कॉल्ड वांट्स. डिजायर होता है कि आप चीजों को सोचते हो आप सोचो आपके पास BMW कार हो ठीक है आपकी ये सिर्फ क्या एक डिजायर की इच्छा है. आप सोचो कि मैं दुबई में जाके जो है बुर्ज खलीफा में जाके अपना एक मकान ले लूं ठीक है या कुछ इस ये तो ये क्या है ये डिजायर जैसा हो गया ठीक है. ये एक नेसेसिटी नहीं है कि आपके पास अगर ये नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड डिजायर. ओके तो ह्यूमन वांट्स आर क्या है लेकिन क्या हमारी जो वांट्स भी है वो भी क्या है अनलिमिटेड है. हमें अभी कुछ चाहिए फिर हो सकता हो कि हमें थोड़ी देर में फिर कुछ चाहिए यानी कि हमारी वांट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती है. सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मींस विच कैन सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड लेकिन कुछ ऐसी जिनको हमें सेटिस्फाई कर सके वो वांट्स भी उनको क्या कहते हैं दे आर लिमिटेड. ओके नेक्स्ट इज स्केयरसिटी मींस दैट वी डू नॉट एंड कैन नॉट हैव इनफ इनकम और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरी डिजायर. ओके स्टूडेंट सो स्केयरसिटी मींस का मतलब क्या होता है. स्केयरसिटी मींस किसी चीज की कमी मतलब सो दैट वी डू नॉट एंड कैन नॉट हैव इनफ इनकम यानी कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी है एंड आपके पास उतनी इनकम नहीं है कि आप उस चीज को पर्टिकुलर को आप क्या कर सको फुलफिल कर सको ठीक है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को ले सको. और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरी डिजायर यानी कि आप अपने हर डिजायर को पूरा नहीं कर सकते दैट वो जो कमी है दैट इज नोन एज स्केयरसिटी. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है वन मार्क्स पे पूछा जाता है कि व्हाट इज स्केयरसिटी व्हाट इज ह्यूमन वांट्स तो उसके लिए मैंने आपके पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं सब चीजों से अराइज होती है कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कौन अराइज कर रहा है हम ही लोग कर रहे हैं. वो प्रॉब्लम कहाँ कौन क्रिएट कर रहा है हम लोग कर रहे हैं क्यों क्योंकि हम लोग की क्या है हम लोग की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है ठीक है. हम लोग क्या है कि अपनी किसी भी चीज को कुछ अपनी जो हमारी वांट्स है उनको हम कम नहीं कर पा रहे हैं ठीक है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. इन ये जो पॉइंट्स है इसमें क्वेश्चंस में आते हैं वन वन मार्क्स के. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्केयरसिटी यानी कि इकोनॉमिक की इकोनॉमिकली जो कमी हो जाती है स्केयरसिटी हो जाती है उसका क्या मतलब है. सो इकोनॉमिक स्केयरसिटी रिफर्स टू द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ दैट देयर एग्जिस्ट ओनली आर लिमिटेड amount of human and non-human resources due to which we can produce only limited amount of economic goods. Students, देखिए क्या लिखा है कि economic scarcity क्या है वो क्या बताता है कि जितने भी हमारे basic fact of life है that there exist कहाँ exist करते हैं when we have a limited amount of human and non-human resources यानी कि हमारे पास क्या है limited resources हैं ठीक है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जिसकी वजह से क्या है वी कैन प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक गुड्स और उसकी वजह से हम क्या सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स हम लिमिटेड प्रोड्यूस कर पाते हैं हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते. और जब हम लोग इकोनॉमिक गुड्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा नहीं ला पाते तो जिसकी वजह से क्या कमी हो जाती है और हमें उन्हीं लिमिटेड वांट्स पे ही अपना गुजारा करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्केयरसिटी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम अभी कह सकते हैं कि जैसे वी आर सफरिंग इन कोरोना पैनडेमिक कि क्या था कि अभी से लोगों को बाहर नहीं निकलना था
लोगों के पास क्या थे, सफिशियंट अमाउंट था या सफिशियंट अनाज थे या उनके पास एक ये कमी थी कि वो ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। तो ये कहते कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या थे, बहुत कम थे, शॉप सारी बंद थी तो हमारे पास रिसोर्सेस कम थे और उसमें हमको लिमिटेड रिसोर्सेस में ही हमको क्या करना था, हमको सारी चीजें अपनी वॉन्ट्स को पूरा करना था। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरी टाइप ऑफ गुड इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी बिकॉज नो इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस। सो हर एक इकोनॉमिक के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर टाइप के गुड अपने अपनी अपने कंट्री में प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरी टाइप ऑफ गुड एंड गुड्स इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर कोई उस गुड्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे, बिकॉज नो इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हर इकोनॉमी के पास क्या है, एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी क्या कर सकता है, वो अपनी सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कम्स इनटू 3 to 4 marks क्वेश्चन कि व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अभी हमने सारी चीजें पढ़ी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, लेकिन कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, लेकिन ये होती क्यों है। इसका फर्स्ट रीजन है अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि हमारे जो भी वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। जैसे अभी मार्केट खुला तो हमको लगा हम ये भी परचेस कर ले, हम ये भी कर ले, हम ये भी कर ले, ठीक है। जबकि हमको ये डर था कि हो सकता हो हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है हमें वो डिसीज हमें भी लग सकती है, लेकिन हमको क्या था, हमारे अंदर एक वॉन्ट थी कि हम सब कुछ खरीद के अपने घर में रख लें। सो गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड टू सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स, हेंस देयर इज एन अनलिमिटेड डिजायर ऑफ द पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यानी कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, ठीक है, वो किसके लिए होती है, दैट यू कैन सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स, यानी कि आप अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकें। जो अनलिमिटेड डिजायर होते हैं लोगों के कि हम हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए ही क्या है ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ओके, नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जब हमारी वॉन्ट्स में कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे डिजायर में कोई कंट्रोल नहीं है, तो रिसोर्सेज भी क्या है, मार्केट में ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन क्या है, मार्केट में ज्यादा नहीं बनते, वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाता है। सो द रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको नहीं पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप इन वीडियो के जो भी मैं कंटेंट देती हूँ, यू कैन यूज एज अ नोट्स, आप इसको लिख सकते हैं और उसमें ये चीज मेंशन कर दीजिएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सब क्या है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें भी क्या है कि हमारे मार्केट में लिमिटेड हो जाती है, और लेकिन हमारी क्या वॉन्ट्स और डिजायर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूज हम ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हीट, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी, जैसे हम एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई पीस ऑफ लैंड है, वी कैन यूज एज अ प्रोड्यूस व्हीट। हम जैसे बोले कि मॉर्निंग में आप लोग स्कूल जाते हैं, शाम को हम इवनिंग और नाइट के टाइम वी कैन यूज इट एज अ स्टडी, और यानी कि हम क्या करें, हम ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सुबह तुमने नहीं पढ़ा तो शाम को पढ़ लो, यू आर यूजिंग योर ऑल्टरनेटिव। तो इसी तरीके से ये भी क्या है कि टू रिड्यूस द प्रॉब्लम अराइज, तो जिसकी वजह से होता है वो क्या होता है कि वी आर यूजिंग दैट ऑल्टरनेटिव यूज। सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि किसी चीज की कमी की वजह से, ठीक है, और वो कमी को कौन करता है, दैट इट्स रिलेट्स टू योर ह्यूमन वॉन्ट्स, यानी कि हमारी जब वॉन्ट्स और डिजायर्स पूरी नहीं होती है और रिसोर्सेज इतना मार्केट में नहीं होते हैं, उन कमी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सोसाइटी हैज टू चूज बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मार्केट में क्या है कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं, इसकी वजह से लोग क्या करने लगते हैं, अपने ऑल्टरनेटिव यूज करने लगते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों अराइज होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज एग्जाम में ये जरूर आता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन माई अनदर वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट अदर टॉपिक ऑफ
economic problems. So keep in touch with this channel, and if you have any doubt, just comment me in the comment section, and please keep forward, like, share and subscribe my channel. Thank you, students.